हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अरहम शेख व्लॉग्स। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ मेरी कैट को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है ना, उसको बुखार है। तो ये देखो मेरे पीछे है ना, ये पूरा हॉस्पिटल ही है, सरकारी हॉस्पिटल, और उसके आसपास में देखो कितनी हरियाली है। तो ऐसे ही घर के पास में भी हरियाली होना चाहिए ताकि सेहत सही रहे। तो मेरी कैट को चलो अभी डॉक्टर को दिखाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। नंबर बहुत है भाई, 4-5 नंबर है यहाँ पे। ये देखो वो लोग दिखा रहे हैं और डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, और जो ग्रीन शर्ट में दिख रहे हैं सब चेकअप चालू है अभी। जब हमारा नंबर आ जाएगा ना, तो हम हमारी कैट को दिखाएंगे। नई जगह आ गए ना भाई, एकदम परेशान है। घर में रहते ना लोग, बाहर जाने नहीं मिलता ना, तो इसलिए एकदम नई जगह आते ना तो मस्त एकदम अजीब लगता है। देखो कैसे देख रही है। तो ये भाई भी अपनी बिल्ली लेकर आए, ये भी बीमार है। क्या हुआ इसको? तो किसी ने मार दिया, कुत्ते ने काट लिए क्या? हाँ, इसको काट गया। अच्छा अच्छा, तो भाई ये बिल्ली के कुत्ते ने काट लिए यहाँ पे। तो गाइस फाइनली बिल्ली का चेकअप हो चुका है, और ये डॉक्टर ने है ना सिरप लिख के दिए, ये देखो, और एक है ना स्प्रे ये नीचे वाला। तो चलो चलते हैं मेडिकल पे, और इसकी है ना जो सिरप है वो सिरप लेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे सिले घर। तो गाइस ये रहा है उसके सिरप, और भाई इसका जो स्प्रे है ना वो यहाँ पर नहीं है, तो स्प्रे है ना दूसरी जगह से देखना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली पहुँच गए घर, और ये देखो हमारी कैट, ये हमारी कैट बास्केट से बाहर निकल चुकी है, और ये हमारा बिल्ला भी उठ चुका है। तो अभी इसको इंजेक्शन लगा के आए भाई, और आते आते हैं ना मैं ये कैट का दाना भी ले लिया। दाना डाल के दिया हो ना भाई, तो खा नहीं रही है। ये देखो ये चिकन ग्रेवी डाल के दिया हूँ अभी प्लेट में, अपने शॉप से खा रही है। दाना अंदर है ना प्लेट में डाल के रखा हुआ है, उसको देख भी नहीं रही है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कटार लेने के लिए, ये देखो बारिश में कटार खाएंगे मस्त। मैं और साकिर अभी लाइन का काम करके यहाँ से जा रहे थे, तो देखें यहाँ पे कटार रखा हुआ है भाई, तो यहाँ से कटार लेंगे, उसके बाद में घर जाके उसको काट के खाएंगे। तो अरहम भी स्कूल से आ चुका है गाइस, और इसका अरहम का ना पेपर चालू है, इसीलिए आज जल्दी आ गए, 4 बजे के टाइम पे आ गए। तो आज घर में खाना ये बना है। क्या बना है खाना? तो अभी आराम खाना खा के जैसे उठेगा तो हम लोग ये कटार पूरा काटेंगे। कितना बड़ा कटार है, 7 किलो का कटार है भाई ये। और आराम देखो एक्सरसाइज कर रहा है कटार लेके, उठा नहीं पा रहे पूरा। उठा के बताओ, पूरा पूरा उठा के बताओ। ये देखो सर पर रख लिया। आहिल को दे, आहिल को देख, आहिल उठा पाया कि नहीं देखते। आहिल उठा के बताओ। हाँ वहीं पकड़ो। नहीं नहीं, जैसे आराम भाई उठाए थे ना वैसे उठाओ, नीचे हाथ लगाओ। अरे पैंट गीली हो जाएगी यार पीछे से। इब्राहिम है ना कटर को देख के है ना डर रहा है, कटार को देख के। फर्स्ट टाइम मैंने उसको दिखाया ना तो एकदम डर गया था वो, रोने वोने लग गया था। ये उसके सामने लेके जाओ, इब्राहिम के सामने लेके जाओ। देखो फिर डर रहा है। ये देखो कितना बड़ा कटहल था, 3 प्लेट भर के ना कटहल निकला है। तो चलो गाइस इसको ना ये जो है ना इसको ना फेंक के आते हैं बाहर। पापा छुरी लगा के अंदर है, वो भी छिल जाएगी। यहाँ पे तानिश भी ए आई भी वीडियो बना रहे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय YouTube चैनल अरहम शेख व्लॉग। हम लोग 4 प्लेट में कटहल भर के रखे हैं, ये पूरा कटार बांटने के लिए, क्योंकि भाई हम लोग इतना ज्यादा कटार है ना सब लोग खा नहीं पाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा कटार निकल गए। तो अभी अरहम जा रहे हैं सब लोगों को बांटने के लिए। अरहम और आहिल जा रहे हैं दोनों के बैग से लेकर, देखो ये थैली में कटार है, ये पूरा आहिल और अरहम दोनों बांटने के लिए जा रहे हैं। तो गाइज अभी रात के है ना 11 बज रहे, और अभी मैं ऑफिस से फ्री हुआ हूँ। अरहम भी आ गया था ट्यूशन से, ये देखो उसका बैग पीछे पड़ा है,
और हम बोल रहा चलो पप्पा कहीं भाई घुमा कर लेकर आओ। तो मैं बोला चलो इसी बहाने है ना, कार में सीएनजी भी नहीं है, सीएनजी भी डाल लेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों की गाड़ी है ना कल औरंगाबाद गई थी तो वहाँ से आई है ना, तो गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है, और कल हम लोगों की गाड़ी है ना कल बाहर जाने वाली है, तो इसीलिए मैं सोचा इसको है ना गाड़ी में सीएनजी फुल करके रख देता हूँ। तो इसी के लिए मैं और हम जा रहे हैं सीएनजी डालने के लिए। पहले हम लोग पेट्रोल डालने के लिए आए, बाकी फिर दोस्त पे पहले हम लोग यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे, फिर इसके बाद में जाएंगे सीएनजी डालने के लिए। हाँ, बाईपास गोगांव जाएंगे, वहाँ पे सीएनजी डालेंगे। महानगर सीएनजी पंप, तो यहाँ है ना भाई सीएनजी 2400 घंटा मिलती है, 24 आवर्स। तो गाड़ी हम लोग पार्किंग में खड़ी कर दिए, और हम अपना बैग है ना गाड़ी के अंदर ही भूल गए। देखो निकालो बैग अपना, और कल स्कूल जाने का रहता ना तो पहले पार्किंग में आना पड़ता अरहम को बैग लेने के लिए, अगर हम लोग भूल के चले जाते तो। हम को जूस पीना है बादाम शेक, इसीलिए हम लोग आए बागे फिरदौस पे ये बादाम शेक पीने के लिए। और ये बादाम शेक है ना भाई बहुत ही अच्छा बनाता है ये जूस, जब भी हम लोगों को पीना रहता है ना तो हम लोग यहीं से आगे पीते हैं, और अरहम का फेवरेट भी है ये। तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर, और घर पे आते साथ ये देखो ये आहिल और तानिश ये दोनों देखो क्या लेकर आए, देखो 10-10 रुपए की दो फिश लेकर आए पालने के लिए, और ये उसका फिश पाउट ये देखो। अभी ये लोग आए ना पूरा इसमें पानी डाल के अरे फिश को इसके अंदर डालेंगे। तो गाइस इस वीडियो को फिर मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि भाई रात के है ना 1 बज गए, और मेरे को है ना वीडियो भी एडिट करना है, और वीडियो एडिट करने के लिए भी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।